जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखा था क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप को डिस्कस किया, यानी कॉपी पेस्ट कट कैसे किया जाता है, फॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है, स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है, बॉल इटैलिक अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू के फंक्शन जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो दो फंक्शन हैं ये यूज़ होते हैं, जैसा कि सपोज आपका कोई टेक्स्ट है, मैं यहाँ केमिस्ट्री का एक फार्मूला लिखती हूँ H2O। अब H2O ऐसे नहीं लिखा जाता केमिस्ट्री में, यानी कि टू जो है वो सबस्क्रिप्ट होता है, यहाँ नीचे शो हो रहा होता है। तो नीचे हम शो कैसे करेंगे, इस टू को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। जैसे सबस्क्रिप्ट को हमने क्लिक किया H2O, यानी कि टू जो है वो सबस्क्रिप्ट यानी स्मॉल हो गया। इसके बाद अब हम इसका स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन को फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने पावर को ऊपर वाली साइड पे शो करना है, यानी पावर शो करनी है, तब हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, हेलो जॉन। अब जॉन को मैं चाह रही हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाए, तो क्या करेंगे, जॉन को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। जी, जॉन जो है वो पावर की शक्ल में आ गया, यानी कि ऊपर शो हो रहा है हमें टेक्स्ट की ऊपर वाली साइड पे, और सबस्क्रिप्ट कहाँ पे, टेक्स्ट की नीचे वाली साइड पे शो हो रहा है। ये थे हमारे दो फंक्शंस, एक था सबस्क्रिप्ट और दूसरा सुपर स्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं कि इनका स्टाइल कैसे चेंज करना है, इफ़ेक्ट्स कैसे देने हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी भी इसे कहते हैं। तो आपने इसके लिए भी क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से इन इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से करती हूँ ये येलो वाला टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें भी आप डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को आउटलाइन भी कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आप करना चाहें, यानी कि इसकी बाउंड्रीज जो है वो करनी है, तो ये इफ़ेक्ट्स हैं। मैं चाह रही हूँ ये ब्लू कलर की बाउंड्री हो जाए। ठीक है, ये बाउंड्री को क्लिक कर लिया। नेक्स्ट, आप इसमें शेडो भी दे सकते हैं, ये शेडो के इफ़ेक्ट्स हैं। ये देखें, हम ये नीचे वाला शेडो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये देखें, मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, ये शेडो जो है वो शोर है। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के भी हैं इसमें इफ़ेक्ट्स, आप रिफ्लेक्शन यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका अक्स जो है वो आपको शो हो, किस पोजीशन में शो हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वेरिएशन इसकी जो आपको सही लगे आप उसको कर लें, मैं ये टेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, ये देखें, मिरर इफ़ेक्ट दे रहा है जो नीचे वाला टेक्स्ट है, यानी रिफ्लेक्शन दे रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम करना चाहें ग्लो, यानी कि ग्लो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वही सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्लो के ऑप्शन को क्लिक करके आप ग्लो जैसा चाह रहे हैं वैसा दे सकते हैं, यानी कि साइडों पे शेड हो जाएगी, टेक्स्ट की साइड्स पे शेड जो है वो शो हो जाएगी। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हर जो प्रॉपर्टी है इसकी उसमें मोर ऑप्शंस भी हैं, मोर ग्लो कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, जो आप कलर पसंद करें। ठीक है, ये तो था, हमने रिफ्लेक्शंस पढ़े थे इसमें इफ़ेक्ट से, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अब हम देखते हैं टेक्स्ट को कलरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, ये इसकी
ये टेक्स्ट के गिर्द यानी कि एक वो बाउंड्री से बना देगा, आपको जो सूटेबल लगे जो पसंद आए आप वो कर सकते हैं। यहाँ से हम कौन सा कलर करें, ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर, ये तो था हमने शेड दे लिया। अब टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, यानी कि एच ई डबल एल ओ, इसको टेक्स्ट को कलर हमने देना है, तो वो हम यहाँ से देंगे, इस जगह से। यहाँ से आप पहले सेलेक्ट करना होगा हमें। अब यहाँ से आप जो कलर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये हम करते हैं ये वाला, ठीक है। ये ग्रीन एसेंट कलर है, ये वाला कलर हम कर लिया। ये होगी टेक्स्ट की कलरिंग और उसकी बॉर्डर वगैरह को कलरिंग कर ली हमने, ये सब कुछ आज आपने सीखा। चले जी, ये फॉन्ट जो था हमारा ग्रुप, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ वाले ग्रुप की तरफ चलते हैं। इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, इस ग्रुप में सबसे पहले ये बुलेट्स लगाना, नंबरिंग करना, टेक्स्ट को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, यानी कि अलाइनमेंट उसकी करना, ये सब कुछ है। चलें इसको भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि ये सारे टेक्स्ट हैं, अब इनको मैं नंबरिंग देना चाह रही हूँ। नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, आप चाहें तो ये सर्कल बुलेट्स ये भी लगा सकते हैं। अगर ये नहीं आपको अच्छा लग रहा, कोई और आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से और सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर लें यहाँ से, कोई भी अपनी मर्ज़ी का ये देख लें, टिक करना है, एरो। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका स्ट्राइक थ्रू जो है उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ये स्टाइल हो गया आपका बुलेट्स लगाने का। दूसरा आप नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग आप देख लें इस ऑर्डर से, 1 2 1 2, आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाई हुई है। रोमन में इसको आप कर सकते हैं, ए बी सी कैपिटल स्मॉल इसमें कर सकते हैं, रोमन स्मॉल आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो आपको पसंद है उसमें आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम इसको स्मॉल ए बी सी में कर लेते हैं, ये ओके। इसके अलावा हम देखते हैं ये, अब देखें सपोज हमारे पास ये डी है, डी के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट ऐड करना चाह रही हूँ। टेक्स्ट को हमने करना है नेस्टेड, यहाँ से हम करते हैं क्लिक और इस, ये देखें ये, क्योंकि इसके बाद आई है इस टेक्स्ट के बाद, तो 1 2 3 4 इसने कर दिया। अब हम इस सारे को भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्टाइल में कर सकते हैं। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, उसकी एक शॉर्ट की मैं आपको बताती हूँ, कंट्रोल ए आप करेंगे तो आपका जो सारा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और इसको इस फॉर्म में हमने कर दिया, 1 2 3 4 और ये 7 पॉइंट्स आपके हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अलाइनमेंट इसकी कैसे करनी है। अलाइनमेंट होती है 3 तरह की, लेफ्ट राइट और सेंटर, और एक होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई में होता है कि दोनों साइड से जो आपके मार्जिन हैं वो इक्वल रहते हैं, आपका टेक्स्ट जो है ये एक मुकम्मल नीट फॉर्म में रहता है। तो अब ये जो टेक्स्ट ऑलरेडी ये है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जो है ये हाईलाइट भी हुआ है। अब इसी टेक्स्ट को हम राइट साइड पे अगर करना चाह रहे हैं तो ये राइट अलाइनमेंट जो है इसको हम क्लिक कर लेंगे, हमारा टेक्स्ट जो है राइट साइड पे चला गया। और अगर इसी टेक्स्ट को हम सेंटर में करना चाह रहे हैं तो ये सेंटर वाली अलाइनमेंट को हम क्लिक कर लेंगे, या शॉर्ट की इसकी ये बताई गई है कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा टेक्स्ट आपका। चलें सेंटर में अलाइनमेंट हम कर लेते हैं, ये सेंटर में होगी। अब इसी टेक्स्ट को आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं
तो जस्टिफाई में आप इसको करेंगे ये, इसके अलावा यहाँ पे बताए गए इंडेंट्स बताए गए हैं, डिक्रीज और इंक्रीज करना। और चले इंडेंट्स को देखते हैं। इंडेंट्स में वो कह रहे हैं मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, जो मार्जिन है उसके नज़दीक कर दिया जाता है आपका जो भी पैराग्राफ है, ठीक है। मार्जिन हमारा इस साइड पे है और टेक्स्ट हमारा ये है मार्जिन। अगर हम इंडेंट इंक्रीज करेंगे टेक्स्ट हमारा यहाँ इस राइट साइड पे चला जाएगा, अगर डिक्रीज करेंगे टेक्स्ट हमारा जो है वो मार्जिन वाली लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो चले टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ डिक्रीज इंडेंट हम करने लगे हैं, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज यहाँ पे यहाँ शो नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी मार्जिन के बिल्कुल साथ साथ हैं। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारा टेक्स्ट है। अब इंक्रीज करके मैं आपको दिखाती हूँ ये इंडेंट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखें, ठीक है, ये इंडेंट्स हमारे इंक्रीज हो गए। और अब हम इसको डिक्रीज करके आपको दिखाते हैं, डिक्रीज यहाँ से ये, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन की अगर बिल्कुल साथ रहेगा तो मतलब आपका जो इंडेंट है वो अभी नहीं है, डिक्रीज इंडेंट है। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन से दूर चला जाएगा, यहाँ इसका ये मकसद है। इसके अलावा ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है इसको, यानी कि बिटवीन टू लाइंस जो स्पेसिंग है या टू पैराग्राफ जो स्पेसिंग है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 1.0 पे किया आपको डिफरेंस शो हुआ, ये 1.15, ये आपका मार्जिन जो है लाइन स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम इसको 1.0 पे ही रहने देते हैं, ये हमारी स्पेसिंग हो गई। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं थीम कलर्स बता रहे हैं, आप कलर करना चाह रहे हैं यानी कि जहाँ जहाँ आपने टेक्स्ट लिखा है उसको वो एक पेज की फॉर्म में करके उसकी कलरिंग कर देगा। आप इसकी कलरिंग करना चाह रहे हैं, ये इसको कलरिंग हो गई। और ए टू जी सॉर्ट का मतलब है कि आप इसको सॉर्ट कर लें टेक्स्ट को, अगर आपका जो पैराग्राफ है पैराग्राफ को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, हेडिंग को या और कुछ आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं आप सॉर्ट बाय में इसको कर सकते हैं। टाइप आप टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, नंबर को या डेट को, यानी कि आप टेक्स्ट को एबीसी के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहे हैं, नंबर को 1-2 के लिहाज से, या डेट को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि डेट जो है वो सीक्वेंस वाइज से ले। तो आप यहाँ से वो करेंगे, हम टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट को क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है आपसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में अगर सॉर्ट करना है तो वो ए टू जी जाएगा, और डिसेंडिंग में अगर सॉर्ट करना है तो वो जी टू ए आएगा। जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है असेंडिंग में ए बी सी लिखे हैं, डिसेंडिंग में ए बी सी लिखे हैं। असेंडिंग में क्या होता है ए बी सी ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं, डिसेंडिंग में क्या होता है जी टू ए हम आते हैं, ठीक है। सेम यही वो प्रोसीजर है। अब यहाँ असेंडिंग किया है, इसको ओके कर दें तो ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में उसने कर दिया है। अब उसने ये नहीं देखा कि पहला पॉइंट कौन सा था, उसने बस उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब जैसे कि मैंने पहला पॉइंट जो लिखा था वो हेलो था, लेकिन उसने हेलो को दूसरे नंबर पे कर दिया, और ये फार्मूला जो था ये मैंने 3 या 4 पॉइंट पे लिखा था, उसने इसको फर्स्ट पॉइंट पे कर दिया, असेंडिंग यानी कि ऑर्डर हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके मुतल्लिक आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।